बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको जो बात बताने जा रहा हूँ ना, ये है जी हमारा पैनल टैंक। तो इसके बारे में, आम जो सिंपल टैंक होता है वो ये सामने लगा हुआ, ये नेबर का आप देख रहे हैं, ये पीवीसी टैंक है। पहले फैब्रिक में भी आता था और ये फैब्रिक विद पीवीसी मिक्स है और इसमें स्टील के जो बोल्ट यूज होते हैं जिसको जंग नहीं लगता। और उसके बाद में ये जो ये है, ये भी स्टील की है। ये जो प्लेट लगी हुई है इसके बाहर बाहर जो लगी है, अच्छा इसको ना इसमें 16 पीसीज में ये आता है। ये जो टैंक लगा हुआ है, और भी इसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी आगे पीछे चेंज हो सकती है क्योंकि इसके हजम पे यानी साइज पे आप देखेंगे कि जब 1000 गैलन का होगा तो उसका उसके पीसीज उसके पार्ट्स अलग होंगे, उसका साइज अलग होगा। और इसमें मैं आपको फाउंडेशंस के बारे में पहले मैं बताता हूँ कि इसकी जो पहले तो हमारे पास ड्राइंग आई है कि ये ड्राइंग कितने इसका इधर से उधर तक कितना है, वो 1 मीटर है 30 सेंटी इधर से इस साइड से यहाँ से वहाँ तक 1 मीटर 30 सेंटी ये इसका इसका है ये जो एरिया। लेकिन हमने इसको जो हमारा फाउंडेशन है 1 मीटर 50 सेंटी रखा है इसकी चौड़ाई, ठीक है जी। चौड़ाई इसकी 1 मीटर 50 सेंटी और 3 मीटर इधर से उधर तक ये 3 मीटर हमें लंबाई में लेना पड़ा है। और इसकी जो हाइट है ये देख रहे हैं आप, ये जो हाइट है नीचे से इस फाउंडेशन की ये 60 सेंटी है। पहले 20 का था और फिर उसके बाद में 2 ब्लॉक जो है 40 सेंटी के हमें वो लगाए हैं तो ये 60 सेंटी हो गया। और 60 से भी 65 पर चला जाता है प्लस्तर वगैरह करने के बाद में। और ये इसके जो आप देख रहे हैं दो दीवारें इस साइड में ये जो बनी हुई है, ये इसका जॉइंट आ रहा है, यहाँ पे एक है एक यहाँ पे जॉइंट है। तो जॉइंट को सपोर्ट के लिए वो दीवारें यानी एज पर ड्राइंग जो हमें कंपनी ने ड्राइंग मार करके भेजी थी उसके हिसाब से हमने इसको बना दिया है जी। इसमें कितना डिस्टेंस है, इसमें कितना है और ये बीच में कितना है, तो उसी हिसाब से फिर, क्योंकि ये मैं इस फाइनली इसलिए नहीं आपको बता रहा इसका साइज कि इसका कितना है, क्योंकि ये जब जैसे बड़ा होगा, ये 500 गैलन का टैंक है ये जो पैनल टैंक, तो इसका जो साइज है ये 70 सेंटी का गैप आएगा, फिर इधर 70 आएगा, बीच में ये आप 20 सेंटी गैप पे ये रखेंगे, ये जो गैप दो दीवारें बनी हुई है ना ये 20 सेंटी के, और हाइट 60 सेंटी आएगी। तो और भी अगर कंपनी है शायद उनका ये अल्बसाम जो वाटर टैंक है जी, इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका ये हमारे पास जो इसकी आई थी ड्राइंग बन के उसके हिसाब से हमने इसको इसके फाउंडेशन को रेडी किया। और इसके जो अभी मैं आपको बताऊं कि जो पीसीज आए ना वो 16 पीस हैं, 16 यानी ऊपर 3 है और 3 इस साइड में और 3 उस साइड में, 2 इस साइड में और 2 उस साइड में और 3 नीचे। तो ये टोटल 16 पीस जो आए थे हमें यहाँ डिलीवर हुए, फिर उसके बाद में अब इसको यहाँ ऊपर ही उन्होंने असम्बल किया कंपनी ने। कंपनी की ये गारंटी होती है कि ये इसको अभी हम इसमें जब पानी इसमें छोड़ेंगे ये फुल हो जाएगा तो फिर इसको चेक किया जाएगा, अगर किसी भी वजह से कोई कहीं से लीकेज हो या कुछ तो वो कंपनी रिस्पांसिबल है। तो ये इसके मैं फाउंडेशंस के बारे में आपको बता रहा था कि ये पैनल टैंक क्या होता है और आम जो आदि जो उसको टैंक जो दूसरे हैं पीवीसी के उसमें इसमें यही फ़र्क है कि वो एक बना बनाया आ जाता है और उसको उठा के ऊपर हम फिर रख देते हैं इस पर फाउंडेशन, और उसके लिए ये प्लेन फाउंडेशन बनाना पड़ता है। जैसे आप 2 मीटर ये 500 गैलन के लिए 2 मीटर 50 सेंटी इसकी लंबाई होगी और 2 मीटर इसकी चौड़ाई होगी, उस पर ईजीली आप रख सकते हैं और उसकी पंप भी उसके ऊपर आपका आ जाता है। तो जैसे अगर आप 1000 गैलन का होगा तो उसकी थोड़ी जो ड्राइंग है उसके फाउंडेशन वगैरह की वो अलग से होगी। तो ये ओनर की इस चॉइस पे है, ओनर ने यही इसको पसंद किया कि मुझे ये पैनल टैंक चाहिए, क्योंकि उसका जो ओल्ड विला के ऊपर भी पैनल टैंक लगा हुआ था तो उन्होंने फिर ये ही पसंद किया इसमें किचन ये इसमें जो मजलिस ब्लॉक में। और अब जो किचन ब्लॉक में है वो भी सेम टू सेम ही रखा है, लेकिन वो हमारे पास ओल्ड पड़ा था तो उसको हमने उठा के ऊपर रखा और उसकी फिक्सिंग पंप वगैरह की कर दी। तो क्योंकि ये
क्योंकि हमारी जो थी कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ पे एक ही वाटर टैंक और एक ही पंप न्यू वाला था, तो इसलिए फिर हमें दूसरा जो लगाना पड़ा तो वो उसका ओनर का पड़ा था, पंप और टैंक वो ही हमने फिक्स कर दिए। तो उसकी भी यानी कि जो फाउंडेशन की जो थी ये ड्राइंग सेम ही थी, सेम ही साइज़ था जो ऑलरेडी पड़ा था, तो इसी तरह वो भी लगा दी है। तो अगर देखें हमें पहले से ड्राइंग मिल जाती, ड्राइंग मिल जाती तो ये जो नीचे बना हुआ है ना आप देख रहे हैं फाउंडेशन, ये हमें बनाने की ज़रूरत नहीं थी, उसके ये वाली जो ऊपर की तरफ है इसे खाली यही बनानी थी। तो बहरहाल थोड़ा सा खर्चा तो बढ़ गया लेकिन काम अच्छा एक मजबूत हो गया। तो ये था जी पैनल टैंक और वाटर टैंक, और इसके बारे में थोड़ा जितना मैं बता सकता था मैंने आपसे एक्सप्लेन किया। और दोस्तों को अगर इसके बारे में कुछ और भी चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। इसकी ये प्लेट है, ये इन है इसका वाटर का कनेक्शन, ये आप उस साइड में भी दे सकते हैं, ये इस साइड में भी दे सकते हैं, लेकिन इजी यहाँ पे है क्योंकि हमने इसका जो ये बॉल वॉल है जो अंदर इसके लगता है जो पानी को स्टॉप करता है, जब ये भर जाता है तो वो पानी को कंट्रोल करता है, और जब ये इसका पानी नीचे यूज़ होता है तो फिर उसके बाद में वो नीचे हो जाता है डाउन और पानी आना शुरू हो जाता है, तो वो भी इसके अंदर फिक्स किया हुआ है। तो दुआ में याद रखिएगा जी, आज के लिए इस टैंक के बारे में इतना ही था। दो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और किसी डिज़ाइन में टैंक हुआ तो ज़रूर मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगा। अल्लाह हाफिज़।